हेलो फ्रेंड्स बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है माय नेम इज़ आशीष गिरी आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर जियोलॉजी के थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में स्टूडेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस लॉन्च हुआ है उसी सिलेबस को आज मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ एंड आफ्टर दैट जितनी भी मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो इसी सिलेबस के ऊपर बेस्ड होंगी इसके अलावा स्टूडेंट आप लोग हमारे बुक टेक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको बी एस सी से रिलेटेड जो जुलोजी बोटनी के नोट्स के पीडीएफ है वो आपको वहां पर मिल जाएंगे इसके अलावा स्टूडेंट आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का नेम है बाय बुक टेक आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उसके बाद आप लोग वहां पर सर्च करेंगे बाय बुक टेक तो वहां पर काफी सारे स्टूडेंट लगभग 20,000 स्टूडेंट वहां पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं आप भी जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहां पर आपको नोट्स मिल जाता है बी एस एमएससी से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है जो सूचनाएं हैं जो भी किसी भी प्रकार का कोई अपडेट है वो बाय बुक टेक एप्लीकेशन पर ही आपको मिलता है तो चलिए स्टूडेंट सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे बॉटनी के सिलेबस के बारे में तो चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं बीएससी एस सेकेंड ईयर जुलॉजी के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में ऊपर आप देखेंगे लिखा हुआ है प्रोग्राम एंड क्लास डिप्लोमा ईयर सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सब्जेक्ट जुलॉजी कोर्स कोड लिखा हुआ है बी जीरो फाइव जीरो थ्री जीरो वन टी कोर्स टाइटल है मोलिकुलर बायोलॉजी बायो इंस्ट्रोमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स कोर्स आउटकम्स अगर आप इसको रीड करें के पॉइंट को यानी कि इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद आप किन किन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे the student at the completion of the course will be able to have number first point a detailed and conceptual understanding of molecular process dna to trait number second point a clean understanding of the process of central dogma transcription translation underlying survival and propagation of life at molecular level number third point understanding of how genes are ultimately expressed as protein which are responsible for the structure of function of all organisms नंबर फोर पॉइंट लर्न हाउ फोर सीक्वेंस थ्री लेटर कोडोन्स जनरेट द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ लाइफ एंड डिटरमाइन द फिनोटाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स नंबर फाइव पॉइंट हाउ जीन्स आर रेगुलेट डिफरेंटली एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्रेडिट लिखा हुआ है फोर एंड कोर कंपल्सरी मैक्सिमम मार्क्स लिखा गया है मिनिमम मार्क्स एज पर रूल्स टोटल नंबर ऑफ लेक्चर ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल्स इन हाउर पर वीक यहाँ पर लिखा है कि शेड्यूल दिया गया है अब हम देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में सो स्टूडेंट यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है जिसमें आप ऊपर देखेंगे यूनिट लिखा गया है ये इसके बाद टॉपिक और फिर टोटल लेक्चर्स फर्स्ट यूनिट आपकी प्रोटीन सिंथेसिस फर्स्ट जिसमें आप पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इसमें कौन कौन से टॉपिक मेंशन है नंबर फर्स्ट फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन नंबर सेकंड पॉइंट आरएनए पॉलीमरेज नंबर थर्ड पॉइंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मशीनरी फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियो एंड यू केक्चर सेवन इसके बाद आता है आपका नंबर सेकंड यूनिट जो की है प्रोटीन सिंथेस सेकेंड जिसमें आप पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेसन इसमें कौन कौन सा टॉपिक मैंशन है द जेनेटिक कोड राइबोसोम फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन एमिनो एसाइलेन ए ट्रांसफर आर एन ए आइडेंटिटी ट्रांसफर आर एन एज नंबर फाइव पॉइंट इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रो कैरियोर्ट्स एंड यू कैरियोर्ट्स ये भी आपके सेवन लेक्चर्स हैं इसके बाद स्टूडेंट आपका आता है यूनिट थर्ड जिसमें आप पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट इसमें कौन कौन से टॉपिक मेंशन है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रो कैरियोट लैक एंड टी आर पी ऑपरेंट इन ई कोलाई नंबर सेकेंड पॉइंट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यू कैरियोर्ट्स रोल ऑफ क्रोमेटीन एंड जीन एक्सप्रेशन नंबर थर्ड पॉइंट रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कैपिंग स्लाइसिंग एंड पोली एडिनाइलेंस इसके बाद फोर्थ पॉइंट है आर एडिटिंग फिर आता है आपका फोर्थ यूनिट जो कि है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकंड इसमें कौन कौन से टॉपिक मेंशन है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एटसेट्रा थर्ड पॉइंट इंट्रा सेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन इसके बाद इसके बाद आता है स्टूडेंट आपका फिफ्थ यूनिट जो कि है प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं आप लोग देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड एप्लीकेशन टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप जिसमें आप लाइट माइक्रोस्कोप डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी फेस कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोपी फ्लोरिस माइक्रोस्कोपी कॉम्फोकल माइक्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये सब आप पढ़ेंगे फिर उसके बाद आता है आपका यूनिट सिक्स सेंट्रिफिगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी जिसमें आप प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रिफिगेशन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंट्री फ्यूग्स हाई स्पीड एंड अल्ट्रा सेंट्री फ्यूग्स टाइप्स ऑफ रोटर्स वर्टिकल स्विग आउट एंड फिक्सड एंगल एटसट्रा इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर आयन एक्सचेंज जेल फिल्ट्रेशन एच पी एल सी एफिनिटी एटसेट्रा राइट इसके बाद आपका आता है यूनिट सेवन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स जिसमें आप पढ़ेंगे बायोकेमिकल टेक्निक्स मेजरमेंट ऑफ पी एच प्रिपरेशन ऑफ बफर्स एंड सोल्यूशन इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बियर्स एंड लैम्बर्ट्स भी आप पढ़ेंगे मेजरमेंट एप्लीकेशन एंड सेफ्टी मेजरमेंट ऑफ रेडियो ट्रेजर टेक्निक्स इसके बाद स्टूडेंट फाइनली आपका आता है लास्ट यूनिट जो कि है मोलिकुलर पॉइंट डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए सीक्वेंसिंग डीएनए एन फिंगर प्रिंटिंग आर एफ एल पी पॉलीमरिज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर के बारे में आप लोग पढ़ेंगे डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन पी ए जी ई एलिसा एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग राइट तो ये था आपका थ्योरेटिकल सिलेबस इसके बाद आप लोग प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं चूँकि स्टूडेंट इस बार आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है इसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पर भी बहुत जोर दिया गया है राइट तो प्रैक्टिकल का सिलेबस भी आप लोग देख सकते हैं कोर्स टाइटल है आपका बायो इंस्ट्रोमेंटेशन एंड मोलिकुलर बायोलॉजी लैब राइट तो ये है आपका प्रैक्टिकल सिलेबस राइट जिसमें आप लोग देख सकते हैं टोटल फोर यूनिट्स हैं जिसके अंदर आप कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो सब आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसका स्क्रीन भी ले सकते हैं नाउ स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे बी एस सी सेकेंड ईयर जुलॉजी के फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में सब्जेक्ट जुलोजी प्रोग्राम डिप्लोमा ईयर सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ एंड कोर्स कोड आप देखेंगे तो बी जीरो फाइव जीरो फोर जीरो वन टी कोर्स टाइटल है जीन टेक्नोलॉजी इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कोर्स आउटकम भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ सकते हैं आगे हम पढ़ते हैं इसके डायरेक्ट सिलेबस के बारे में राइट right? बाकी सब कुछ आपको पता है ऑलरेडी आप लोग जानते हैं यूनिट फर्स्ट स्टूडेंट आपका प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन जिसमें आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डी टेक्नोलॉजी सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डी एन ए मॉडिफाइंग एंजाइम क्लोनिंग वैक्टर्स लाइगेशन जीन ट्रांसफर टेक्निक जीन थेरेपी बहुत सारे टॉपिक जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो सब मैं टॉपिक कवर कर चुका हूँ क्योंकि बी एस सी थर्ड ईयर के अंदर ये आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसका बहुत सारा सिलेबस में अपलोड कर चुका हूँ तो ये जो टॉपिक है स्टूडेंट रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलोजी या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं आपके इसमें मैंशन किया गया सिलेबस में वो सब आप लोग चैनल के अंदर जा करके देख सकते हैं इसके बाद स्टूडेंट आपका सेकेंड यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें आप पढ़ते हैं सिंगल सेल प्रोटीन बायो बायोचिप्स एंड क्रोप एंड लिप स्टॉक इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए ड्रग्स एंड वैक्सीन इसके बाद आता है, right? है आपका यूनिट थर्ड डीएनए डायग्नोस्टिक जिसमें पॉइंट मेंशन किए गए हैं जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज डिटेक्शन ऑफ नोन एंड अननोन नोन म्यूटेशन कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मेकोजेनोमिक्स एंड फार्मेकोजेनेटिक्स राइट फोर्थ यूनिट है आपका स्टूडेंट इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स जिसमें आप लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी इन नेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी क्लोनल सेलेक्शन सिस्टम एंड नंबर सेकेंड पॉइंट ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिनस एंड हाइपरसेंसिटिटी सूटेबल एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यूनिटी इम्यून डेफिशियसी एंड एंड ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन इसके बाद फिफ्थ यूनिट में आप लोग पढ़ते हैं बायोस्टेटिक्स फर्स्ट जिसमें आप पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन मीडियन मोड एंड वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्सेप्ट ऑफ को एफिसियंट ऑफ वेरिएशनिस एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एप्लीकेशन एंड आफ्टर दैट आपका आता है सिक्स यूनिट बायो बायोस्टेटिक्स सेकंड जिसमें आप पढ़ेंगे डाटा समराइजिंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बार डायग्राम एंड हिस्टोग्राम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस वन एंड टू सिंपल टेस्ट टी टेस्ट एंड चाई स्क्वायर टेस्ट राइट इसके बाद सेवंथ यूनिट में स्टूडेंट आप लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जिसमें कौन कौन से टॉपिक मेंशन है बेसिक ऑफ सीपीयू एंड आईओ यूनिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट ऑफ होम पेज एंड वेबसाइट्स वर्ल्ड वाइड वेब यू यूजिंग सर्च इंजेंस राइट इसके बाद लास्ट यूनिट आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स जिसमें आप पढ़ेंगे डाटा बेसिस न्यूक्लिक एसिड जीनोम्स एंड प्रोटीन सिक्वेंस एंड स्ट्रक्चर्स फास्टा फॉर्मेट बिब्लियोग्राफी सिक्वेंस एनालिसिस होमोलॉजी एंड वाइज एंड मल्टीपल सिक्वेंस एलाइनमेंट ब्लास्ट तो ये सारे टॉपिक्स स्टूडेंट बी एस सी सेकेंड ईयर जूलॉजी के फोर्थ सेमेस्टर में मैंशन किए गए हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया बीएससी एस सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में कंप्लीट सिलेबस के बारे में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर जो आपके जुलॉजी का है वो मैं कंप्लीटली डिस्कस कर चुका हूँ इसके बाद आपका जो फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर है उसे हम नेक्स्ट ईयर डिस्कस करेंगे सो so स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टाटा